तो हेलो भाई, सभी भाई लोगों को जो गुड मॉर्निंग। तो ये वीडियो जो है उन लोग के लिए होने वाला है जो भाई बोट स्टोन 1500 एंड जेब्रोनिक्स बीस्ट 500 स्पीकर का जो है कंपैरिजन टेस्ट लाओ करके जो बोल रहे थे, उनका जो सब्र का बांध जो है आज टूटने वाला है। तो चलिए डायरेक्ट बात करते हैं बिना टाइम गवाए। ये दोनों स्पीकर जो है हमारे सामने मौजूद है गाइस, दोनों को ऑन करने पर क्या साउंड आती है उसको चेक करते हैं अपन। तो जेब्रोनिक्स 500 तो इस तरीके से आवाज आई है। अगर मैं बोट स्टोन 1500 को चालू करूं, तो इसमें कम साउंड दे रहा है थोड़ा सा जेब्रोनिक्स के। इसके लुक की बात करूं तो दोनों ही जो है लुक में औसम है, बट अगर मैं मेरे नजरिए से देखा जाए तो जेब्रोनिक्स 500 की जो लुक है वो बोट स्टोन 500 से मुझे बेटर लग रही है। तो गाइस, मैं जो है अपना बॉडी वेट नहीं बढ़ा रहा हूँ, ना ही मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैं बस देख रहा था कि भाई किसका जो वेट ज्यादा और कौन सा जो है साइज में सबसे बड़ा है। अगर वेट की बात करें जो बोट स्टोन 1500 की जो वेट है वो जेब्रोनिक्स के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा मुझे लगी है। और अगर साइज की बात करें तो साइज में तो आप देख ही सकते हो, साइज में जो है ये अपना जो है बड़ा है राइट हैंड वाला। गाइस जो है दोनों की अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को, तो दोनों ही में जो है TWS मोड दिया हुआ है। तो थोड़ा सामने आओ, थोड़ा सामने दिखाऊं, तो दोनों में जो है TWS मोड दिया हुआ है। एंड इसमें जो है एक बार में जो है दो स्पीकर जो है आप कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइज अभी जो है हम लोग TWS मोड में बजाने वाले हैं, तो देखेंगे इसी में पता चलेगा कौन सा स्पीकर जो है किसी स्पीकर को जो है टक्कर दे कर पाता है, मतलब उसके साउंड को जो है दबा पाता है। तो चलिए अभी TWS मोड जो है में साउंड बजाते हैं। अपना जेब्रोनिक्स 500 की जो स्पीकर है वो लगभग 70 वाट की है और अपना बोट जो है 40 वाट की है। तो कहा जाता है कि जो जितना वाट का होता है उसमें साउंड क्वालिटी और साउंड जो साउंडनेस जो है वो सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो सबसे ज्यादा साउंड क्वालिटी आपका बोट स्टोन में दिया रहता है। एंड अगर आपको लाउड सुनना है तो आपको जेब्रोनिक्स में सबसे ज्यादा मिलेगी लाउड में अगर सुनना हो। तो बोट में एक खास बात है कि इसमें आउटडोर और इंडोर मोड दिया हुआ है, मतलब आप अगर दूर में हो तो आप जो आउटडोर मोड ऑन करके जो है बजा सकते हो। एंड अगर आप सामने से अगर सुना चाहते हो, अगर आपने आपको ही सुनाना चाहते हो, तो आप इंडोर मोड ऑन करके जो है सुन सकते हो। तो गाइज अगर चार्जिंग और चार्जर की बात करें तो दोनों ही में जो है टाइप सी चार्जर दिया हुआ है। अगर थोड़ा सामने से बना क्योंकि यार सुनाई नहीं दे रहा होगा ऑडियंस लोग को, तो ऐसा बात है कि दोनों में टाइप सी चार्जर दिया हुआ है। एंड अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो आप अगर इसको लगभग दोनों को ही अगर 4 से 5 घंटा अगर चार्जिंग करते हो तो दोनों में जो है चार्जिंग बैकअप जो है आपको 9 से 12 घंटा जो है मिल जाएगी। और अगर आप फुल वॉल्यूम में चलाते हो और ऑनलाइन अगर वीडियो देखते हो, सॉन्ग चलाते हो, तो लगभग आपका 3 घंटे में समाप्त। गाइस अभी चेक करने वाले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन की, तो दोनों में जो है वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन दिया हुआ है। इसमें बैटर है और इसमें थोड़ा सा कम है। इसमें IPS6 दिया हुआ है और इसमें IPX5 दिया है। तो जिसको IPX का मीन नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, उसका मतलब होता है इनग्रेस प्रोटेक्शन। इनग्रेस प्रोटेक्शन जिसमें ज़्यादा होगा उसमें पानी बहुत ही कम जाने की जो संभावना है बहुत कम होगी। तो चलिए गाइस इसी वीडियो में दिखा देते हैं कि वाटर टेस्टिंग में वाटर प्रूफ में कैसा दोनों कोई दिखता है और कैसा साउंड आता है। तो चलिए इसमें दोनों में पानी डाल देते हैं। लगभग जो है पानी पूरा ये अपना खाली कर चुका है और इसका लगभग 75% पानी बाकी है। तो आप बता सकते हो गाइस किसमें दमदार है, कौन सा स्पीकर दमदार है। तो गाइस दोनों स्पीकर जो है रेडी है साउंड क्वालिटी के लिए। तो अभी हम लोग जो है फुल वॉल्यूम कर दें, इसमें का भी फुल वॉल्यूम है और म्यूजिक का भी जो है फुल वॉल्यूम है। तो आइए सबसे पहले जो बोट स्टोन 1500 में साउंड चेक करते हैं। तो गाइस अभी जो है अपना जेब्रोनिक्स 500 में साउंड चेक करते हैं। तो
दोनों गाइस अभी दोनों जो स्पीकर है वो स्पीकर जो है आउटडोर मोड में बज रही थी, अभी चलते हैं इंडोर मोड में बजाएंगे। उसके लिए मुझे घर की ओर जाना पड़ेगा, तो चलिए। सबसे बेहतरीन बात भूल गया यार बताने को, ये जो अपना जेब्रोनिक्स है ये पार्टी में बजाने वाला स्पीकर है, क्योंकि इसमें लाइट रिफ्लेक्शन वाला चीज जो है दिया हुआ है, कलर कम्युनिकेशन वाला, तो इसको पार्टी में सबसे ज्यादा यूज किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं भाई। जो ये अभी लाइट में चालू है और अभी हम लोग फटाफट जो है लाइट बंद कर देते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं। तो ये रहा एक लाइट ऑफ और ये रहा दूसरा लाइट ऑफ। तो देख सकते हो भाई लुक, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं भाई, जल्दी बताओ। तो नहीं दिख रहा हूँ, ये दिख रहा है, कौन सा स्पीकर शो कर रहा है बताओ भाई। तो भाई देख सकते हो भाई कमाल का लुक है, और मैं एक गाना भी बजा देता हूँ इसके साथ। कहाँ से गाना, गाइस आपको दिखने वाला स्पीकर चाहिए या ना दिखने वाला स्पीकर चाहिए वो तो आप लोग के हाथ में है। मैंने तो बस दिखा दिया भाई, लाइट ऑफ करके सारा चीज ऑफ करके। अब आप लोग कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए वो आप डिसाइड करोगे। और देन जो है अभी मैं क्या चीज बोलने वाला था तुम्हें, तो गाइस अगर वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो दोनों ही जो पैसों के मामले में सारा चीज जो है हर चीज जो बेस्ट है पैसों के मामले में। तो अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो लगभग जो है अभी फ्लिपकार्ट पर बोट स्टोन 1500 का जो प्राइस है लगभग 6,000 से 7,000 अभी हो चुकी है। एंड आप सेल में ले सकते हैं इसे 3400 से 3000 के बीच में। इधर शर्म लग रही है वीडियो बना रहे हैं। दोबारा से फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंड जेब्रोनिक्स 500 की अगर प्राइस की बात करूं तो वो लगभग आपको फ्लिपकार्ट पे 4400 रुपये में मिल जाएगी। तो लगभग जो है आप मतलब स्टोन के मुकाबले थोड़ा सा जो है इसका प्राइस जो ज्यादा है, 1,000 रुपया 2,000 रुपया, पता नहीं मैं कैमरामैन को मैं कहां गिरा दूंगा। तो चलिए गाइस इसी बात पर जो है आप लोग एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कुछ भी यार कर दीजिएगा यार, बस हो गया, इतना ही कंपैरिजन है।